मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान है। जो इसके पहले मैंने डायरेक्ट नरेशन बनाया है, सेम उसी प्रकार इसको भी बनाया जाता है। केवल इसमें इंट्रोगेटिव के रूल फॉलो होंगे। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नरेशन में बदलना सीखते हैं। रूल नंबर वन, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। रूल नंबर टू, जब रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे आदि से शुरू हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर से प्रारंभ किया जाता है। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगाते हैं, वेदर से प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद कर्ता लगाकर फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये जो लाइन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जो इंट्रोगेटिव के बाद वाक्य जो बनते हैं वो असर्टिव सेंटेंस में हो जाते हैं। जैसे हमारा जो नीचे दिया गया है प्रश्न, इसको हम बनाकर देख रहे हैं। ये हमारा प्रश्न है, इसे हम चेंज करेंगे और देखेंगे किस प्रकार रूल है। जैसे आई सेड, सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए कनेक्टिव वर्ड इफ लगा देंगे। इफ यू बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा, और आर का हो जाता है वाज, ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, और अंत में हम फुल स्टॉप दे देंगे। तो ये सेंटेंस हमारा असॉल्टी का पैटर्न हो गया। सेकेंड वाले में राम सेड टू हरी, तो हमारा हो जाएगा राम आस्क्ड हरी। राम आस्क्ड हरी, विल हेल्पिंग वर्ब है, कनेक्टिव वर्ड इफ लगा देंगे। यू बदल जाएगा हरी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो ही हो जाएगा, और विल का उड हो जाएगा, ही उड गो टू स्कूल, और टूडे का हमारा हो जाता है डैट डे, दैट डे, और लास्ट में हम फुल स्टॉप देते हैं, न कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का, और भी प्रैक्टिस करके हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारा लगता है उसका देखेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न हमने लिखे हुए हैं, अब एक एक कर इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार हमारा नरेशन बन रहा है। तो चलें देखते हैं नरेशन बनाकर। आई सेड टू मी, तो मैंने बताया सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में, तो आई आस्क्ड मी। कैन लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इफ। यू बदल जाएगा मी के अनुसार, तो हो जाएगा आई, और कैन का हो जाएगा कुड, आई कुड टेल हिम, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए इसको नहीं बदलेंगे हिम। व्हाट कनेक्टिव वर्ड है, तो व्हाट रहेगा, द टाइम, और इच को बदल देंगे पास्ट टेंस में वॉच, द टाइम वॉच, और लास्ट में हम दे देंगे फुल स्टॉप। सेकेंड वाला हम देख लेंगे डायरेक्ट का, सी है तो सी को सी लिखेंगे, सेट टू बदल जाएगा हमारा आस्क्ड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में बदल जाता है, आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ड डू से स्टार्ट है, कनेक्टिव वर्ड इफ लग जाएगा, और यू बदल जाएगा मी के अनुसार, तो हमारा हो जाएगा आई। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव बनाते समय सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो नो का हो जाएगा न्यू, और हो जाएगा सोहन। यानी कि डू केवल सिंगल आएगा तो उसको इनडायरेक्ट में हटा देंगे। सीता सेड टू का हो जाएगा हमारा आस्क्ड, सीता आस्क्ड हरी, डू लगा है हेल्पिंग वर्ड
इफ लग जाएगा, यू बदल जाएगा हरी के अनुसार तो हमारा हो जाएगा ही, और डू लगा है अफर्मेटिव बनाना है तो पास्ट टेंस, यानी कि गो का हो जाएगा वेंट, ही वेंट, देयर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल डू को सिंगल आएगा तो हटा देंगे। फादर, ये हमारा बनेगा फादर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेट टू को आस्क्ड में बदलते हैं, आस्क्ड मी, यू बदल जाएगा मी के अनुसार, तो यहाँ कनेक्टिव वर्ब पहले लगाएंगे इफ और यू बदलेगा मी के अनुसार तो हो जाएगा आई, और डू को हटा, डू नॉट है तो इसका नहीं हटाएंगे, डिड नॉट लिख देंगे, केवल डू को हटाएंगे और डू नॉट को नहीं हटाएंगे। ओबेम, और मी बदलेगा हमारा सब्जेक्ट के अनुसार, फादर के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा हिम। प्रोनाउन चेंज में अगर आपको दिक्कत आएगी तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप ये देख सकते हैं, अंत में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार हमारे सेंटेंस बदल रहे हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। रमेश सेट टू हिज फ्रेम, तो ये हो जाएगा रमेश सेट टू को बदल देंगे आस्क्ड में, आस्क्ड हिज फ्रेंड, कनेक्टिव वर्ड हम इफ लगाएंगे इफ, और डू नॉट को नहीं चेंज करेंगे, यू है हमारा हिज फ्रेंड के अनुसार बदल जाएगा तो ही हो जाएगा, ही और डू नॉट को बदल देंगे डिड नॉट में, डिड नॉट गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज ऑन ए रेनी डे, और अंत में हम फुल स्टॉप दे देंगे। तो ये हमारे बदलने के कुछ नियम है। लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। सी सेड टू मी, तो ये हमारा हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, सेट टू को हमने बदल दिया आस्क्ड में, और डिड है यू बदल जाएगा मी के अनुसार, पहले जोड़ने के लिए इफ लगाएंगे, दैट नहीं लगा सकते हैं, डिड है तो यू बदलेगा मी के अनुसार तो आ जाएगा आई, और डिड वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है तो यू बदल गया आई में, और हाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं लिखेंगे, तो लेंट का हो जाएगा लेंट, हैड लेंट, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हैड आ जाएगा, हैड लेंट, मी बदल जाएगा हमारा ही के अनुसार तो हिम हो जाएगा, योर बदलेगा हमारा मी के अनुसार तो माई हो जाएगा, माई बुक। तो आपने देखा यहाँ हैड आ गया अपने मन से, तो ये हैड ये टेंस के अनुसार चेंज हुआ है जो कि असॉर्टी सेंटेंस में बताए गए रूल को हम फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा बनता है फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सेकेंड टाइप के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेंगे जो कि हमारे प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द से किस प्रकार शुरू करते हैं वो हम देखेंगे और उसे बनाना सीखेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस रहेगा ये, अब इसे हम बनाना सीख रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द यानी कि व्हाट, हु, विच, हुम, where, whose, when, where, why, how आदि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अनकनेक्टिव वर्ड नहीं लगाना चाहिए, यानी कि हम इफ लगा रहे थे अब इसमें नहीं लगाएंगे। ये शब्द ही स्वयं कनेक्टिव का कार्य करते हैं, जैसे डायरेक्ट। अब यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देख लेते हैं सॉल्व करते समय किस प्रकार हम कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाते हैं। तो आई सेड टू हर, तो हमारा रूल इंट्रोगेटिव के लिए हो जाएगा आई आस्क्ड हर, केवल कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ हु से स्टार्ट हुआ है तो हु ही हमारा कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा, हु, आर यू है तो यू बदल जाएगा हर के अनुसार तो सी हो जाएगा और आर का हो जाएगा वाज, सी वाज अशॉर्टी सेंटेंस में। एंड वेयर आर यू, तो यहाँ भी कनेक्टिव वर्ड वेयर रहेगा और आर यू को यू बदल जाएगा हर के अनुसार, सी वाज हो जाएगा, सी वाज कमिंग, और ये जो बच रहा है फ्रॉम, ये हम फ्रॉम लिख देंगे अंत में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार इसे कनेक्टिव वर्ड हमने देखा कुछ नहीं लगा, हु लग गया और जो वेयर था वेयर लग गया। द टीचर सेड टू हर, तो ये क्वेश्चन हमारा बनेगा द टीचर आस्क्ड हरी,
कनेक्टिवर है वाई, तो वाई ही हमारा लग जाएगा इफ नहीं लगाएंगे। और डिड यू है तो यू बदल जाएगा हरी के अनुसार, तो हो जाएगा ही। और डिड नॉट का हो जाएगा हैड नॉट, क्योंकि पास्ट डिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। कम केम कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। कम टू स्कूल, स्टडे का हो जाएगा द दैट डे, दैट डे लिखिए या द प्रीवियस डे लिखिए, ये आपका बन जाएगा इस प्रकार। अगला हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट, जो हमें चेंज करने हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन है, इसको हम चेंज करेंगे। ही सेड टू मी, तो ये बदल जाएगा हमारा ही आस्क्ड मी। कनेक्टिव वाला हम वेयर से स्टार्ट है तो वेयर ही लिखेंगे, अलग से इंट्रोगेटिव वाले में कुछ नहीं। डू यू लिव, तो यू बदल जाएगा मी के अनुसार, तो आई और लिव का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लिव्ड, आई लिव्ड। तो ये हमारा बदल गया। और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि हमारा किस प्रकार बनेगा इनडायरेक्ट में, इसे हम देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा हो जाएगा ही आस्क्ड, सेट बदल गया आस्क्ड मोहन। अब चूंकि हाउ मच से स्टार्ट है, तो हाउ मच ये हमारा कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा। हाउ मच मनी है तो मनी रहेगा, हाउ मच मनी। अब डू यू वांट है तो यू बदल जाएगा मोहन के अनुसार, तो ही और डू का हो जाएगा वांटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट में, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारे डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उस डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन में हम किसी प्रकार का कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाते हैं। बाकी यदि यस नो क्वेश्चन रहेंगे तो हम उसमें कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर लगाएंगे, और सेट को इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में बदल देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने इससे भी बदलना सीख लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।